तो हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे बोर्ड एग्जाम का हिंदी क्वेश्चन पेपर। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन कृति ये हमारी कृति ये है कि आकृति पूर्ण कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारी कृति है कि संसार में, जीवन में, व्यवस्था में, व्यवहार में। तो इसका उत्तर यह है गाइस, तो संसार में पाप, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार। तो इसका आंसर होगा गाइस, तो हमारी दूसरी कृति है कि निम्नलिखित शब्द के लिए गद्यांश में आए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द ढेर का होगा गाइस अंबर, तो धार धार का होगा गाइस पैनी, और शोषक का होगा उपेक्षा, तो उपवास का होगा हंसना। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि समाज सेवा ईश्वर सेवा है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर मैं नहीं बता सकता गाइस, क्योंकि आपके शब्द में इसे लिखना है। तो हमारा दूसरा आ है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो हमें कारण लिखना है। तो कारण है कि हमारा क्वेश्चन है कि बदलते वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान कर हमें अपनाना है। तो इसका आंसर यह है गाइस, बाकी समझे बिना बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। तो इसका आंसर होगा गाइस। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ है गाइस, इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं, आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भर हरा कर गिरेंगे ही। तो हमारा सेकंड है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। तो शब्द युग्म का मतलब गाइस, जो शब्द के बीच अंडरलाइन होती है वैसे शब्द आपको लिखना है, जैसे सड़ी गली, भीरती बाहरी, देशी विदेशी और टूटे फूटे, ऐसे शब्द आपको लिखना है।